नमस्ते, यापिस वीडियो में गोदरेज एसी के साथ वोल्टेज एसी के कंपैरिजन करने वाले हैं प्रोज एंड कॉन्स के साथ। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, अंत तक देखना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट करके इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेस बाय लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाके जरूर से चेकआउट करके देखना। इसके अलावा हमने एसी के रिलेटेड ढेर सारी वीडियो अपलोड किया है, आप सिंपली एसी का जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाके चेकआउट करके देख सकते हो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पर कूलिंग परफॉर्मेंस के बारे में। तो यहाँ पर गोदरेज एसी के साथ जो है काफी सही जो है पर कूलिंग परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर टर्बो मोड देखने को मिलता है जिसके साथ जो है काफी फास्ट रूम का जो टेम्परेचर है यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा। तो कूलिंग परफॉर्मेंस जो है गोदरेज एसी के साथ बढ़िया है। अगर बात करें पर वोल्टेज एसी के बारे में तो डेफिनेटली वोल्टेज एसी के साथ भी जो है काफी सही कूलिंग परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। अगर बाहर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तब भी जो है वोल्टेज एसी के साथ जो है बढ़िया कूलिंग परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा एंड जल्दी से रूम का जो टेम्परेचर है यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा। तो गोदरेज एंड वोल्टेज दोनों के साथ ही जो है कूलिंग परफॉर्मेंस बढ़िया देखने को मिलता है इवन इन हाई टेम्परेचर। प्लस यहाँ पर बात कर लेते हैं बिल्ड क्वालिटी एंड ड्यूरेबिलिटी के बारे में। तो यहाँ पर गोदरेज के साथ जो है यहाँ पर बढ़िया बिल्ड क्वालिटी देखने को मिल जाएगा एंड यहाँ पर ब्लू फिन कोटिंग भी देखने को मिलता है। लॉन्गजिविटी जो है इंक्रीज हो जाता है गोदरेज एसी के साथ। अगेन मॉडल टू मॉडल डिपेंड करेगा, ओवरऑल गोदरेज के साथ जो बिल्ड क्वालिटी है बढ़िया है। अगर बात करें पर वोल्टेज के बारे में तो यहाँ पर ड्यूरेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी जो है काफ़ी सही देखने को मिलता है। प्लस यहाँ पर कॉपर कॉन्डेंसर को यूज़ किया जाता है जिसके साथ भी जो है ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज होता है। तो ड्यूरेबिलिटी एंड बिल्ड क्वालिटी वोल्टेज एंड यहाँ पर गोदरेज के साथ जो है सही देखने को मिलता है एंड यहाँ पर डेफिनेटली दोनों एसी को अगर आप सही से मेंटेनेंस करोगे तो यहाँ पर लॉन्गजिविटी भी जो है इंक्रीज हो जाएगा। बात कर लेते हैं पर एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में। तो अगर आप एक 5-स्टार रेटेड एसी को खरीदते गोदरेज की तरफ से तो डेफिनेटली जो है कम इलेक्ट्रिसिटी बिल को पे करना होगा। यहाँ पर वोल्टेज की तरफ से भी जो है अलग अलग मॉडल अवेलेबल है जिसमें जो है एनर्जी एफिशिएंसी काफी सही देखने को मिल जाएगा, कम इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करेगा, इसके वजह से आपको कम इलेक्ट्रिसिटी बिल को पे करना होगा। तो एनर्जी एफिशिएंसी भी जो है दोनों में काफी सही देखने को मिलता है, आप डेफिनेटली मॉडल टू मॉडल कंपेयर कर सकते हो। बात कर लेते पर फीचर्स के बारे में। तो गोदरेज की तरफ से इन्वर्टर टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाएगा जिसमें रूम टेम्परेचर की सबसे कंप्रेसर का जो स्पीड है एडजस्ट होगा। यहाँ पर एंटी डस्ट फिल्टर देखने को मिलेगा, ऑटो क्लीन फीचर्स को ऐड किया गया है, इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट गैस को यूज किया जाता है गोदरेज के साथ एंड वोल्टेज के साथ भी इन्वर्टर टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाएगा, मल्टी स्टेज यहाँ पर फिल्टरेशन देखने को मिलता है, इवन जो है ह्यूमिडिफायर का भी जो है काम करते का, प्लस इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट को यूज किया जाता है वोल्टेज के साथ। अगर बात करें पर आफ्टर सेल सर्विस के बारे में, नाउ यहाँ पर जो आफ्टर सेल सर्विस है एरिया टू एरिया डिपेंड करता है। शायद आपके एरिया में गोदरेज का जो सर्विस सेंटर बढ़िया हो, हमारे यहाँ पर शायद जो है वोल्टेज का जो सर्विस वगैरह बढ़िया हो। तो कौन से एरिया में रहते हो, कौन से लोकेशन में रहते हो, उसके ऊपर जो सर्विस डिपेंड करेगा। तो जरूर से नया एसी खरीदने से पहले पुराना जो कस्टमर है उसके साथ जो है बातचीत कर सकते हो, क्योंकि आफ्टर सेल सर्विस जो है काफी इम्पोर्टेंट है। फिलहाल यहाँ पर प्राइस रेंज के बारे में बात कर लेते हैं, कंपेयर करते हैं। तो गोदरेज की तरफ से 1.5 टन 3-स्टार इन्वर्टर स्प्लिट इसका जो प्राइस है 31K के आसपास है एंड वोल्टेज की तरफ से 1.5 टन 3-स्टार इन्वर्टर स्प्लिट इसका जो प्राइस है 34K के आसपास है। तो यहाँ पर जो है प्राइस डिफरेंस देखने को मिलेगा, गोदरेज का जो प्राइस है फिलहाल कम है एंड वोल्टेज का जो प्राइस है फिलहाल ज्यादा है। बाकी यहाँ पर दोनों जो मॉडल है 2024 का मॉडल है, दोनों जो है 1.5 टन 3-स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एसी है एंड अगर बात करें यहाँ पर गोदरेज की तरफ से 1.5 टन 5-स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एसी का जो प्राइस है 36K के आसपास है एंड वोल्टेज की तरफ से 1.5 टन 5-स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एसी का जो प्राइस है 41K के आसपास है। तो डेफिनेटली गोदरेज जो है यहाँ पर काफी सही वैल्यू ऑफ मनी प्रोवाइड कर रहा है एंड वोल्टेज के साथ जो इनिशियल कॉस्ट है आपको ज्यादा पे करना होगा। डेफिनेटली
पेज बाय लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाके चेकआउट करके देख सकते हो। फिलहाल यहाँ पर गोदरेज एसी के साथ प्रोज एंड कॉन्स के साथ बात कर लेते, तो स्टार्ट कर लेते प्रोज के साथ। तो एनर्जी एफिशिएंसी के लिए अगर आप एक 5-स्टार रेटेड गोदरेज एसी खरीदते हो तो आपको काफी कम इलेक्ट्रिसिटी बिल को पे करना होगा, काफी सही एनर्जी एफिशिएंसी देखने को मिल जाएगा गोदरेज एसी के साथ। इसके अलावा 5-in-1 कन्वर्टेबल कूलिंग मोड देखने को मिलेगा, जो कि आप जो है यहाँ पर आपके हिसाब से आप जो है एसी को कस्टमाइज कर सकते हो, एसी का जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम है उसे आप जो है कंट्रोल कर पाओगे। अगर रूम में ज्यादा लोग हैं तो आप जो है सिंपली 100% कैपेसिटी सिलेक्ट कर दो, जिसमें एसी जो है मैक्सिमम कैपेसिटी में काम करेगा एंड फास्ट कूलिंग को प्रोवाइड करेगा। अगर रूम में कम लोग हैं तो आप जो है सिंपली 40% कैपेसिटी सिलेक्ट कर सकते हो, इसमें एसी जो है कम पावर को कंज्यूम करेगा एंड बढ़िया जो है कूलिंग को प्रोवाइड करेगा। तो 5-in-1 कन्वर्टेबल कूलिंग मोड देखने को मिलेगा, जो कि सच में यूजफुल है। इसके अलावा जो नॉइस लेवल भी है कम देखने को मिलेगा यहाँ पर, डेफिनेटली बेडरूम वगैरह हो जाए, ऑफिस वगैरह हो जाए, उसमें आप जो है गोदरेज एसी को इंस्टॉल कर सकते हो। एंड यहाँ पर फीचर्स की अगर बात करें, टर्बो मोड देखने को मिल जाएगा, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी देखने को मिलता है, एंटी डस्ट फिल्टर देखने को मिल जाएगा, सेल्फ क्लीन फीचर्स को भी ऐड किया गया है, जो कि काफी सही है। इसके अलावा इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट को यूज किया जाता है, R32 रेफ्रिजरेंट देखने को मिल जाएगा गोदरेज एसी के साथ, जो कि इको फ्रेंडली है प्लस बढ़िया कूलिंग को प्रोवाइड करता है। फिलहाल बात कर लेते कॉन्स के बारे में। तो यहाँ पर जो है स्टेबलाइजर की जरूरत होती है, कुछ कुछ एसी में जो है यहाँ पर एक्सटर्नल स्टेबलाइजर की जो है जरूरत होती है एसी का जो लॉन्गजिविटी उसे जो है इंक्रीज करने के लिए। एंड मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा कोई भी मैन्युफैक्चर का एसी हो, आप जरूर से एक स्टेबलाइजर को इंस्टॉल करना, इससे जो है वोल्टेज फ्लक्चुएशन से एसी को जो है प्रोटेक्ट करेगा एंड एसी का जो लॉन्गजिविटी है यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। तो उसके अलावा अगर बात करें आफ्टर सेल सर्विस के बारे में, तो डेफिनेटली यहाँ पर जो आफ्टर सेल सर्विस वगैरह है एरिया टू एरिया डिपेंड करता है, तो जरूर से पुराना जो कस्टमर है उसके साथ जो है बातचीत कर सकते हो आफ्टर सेल सर्विस के रिलेटेड। नेक्स्ट यहाँ पर वोल्टेज इसके साथ प्रोस के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो कूलिंग परफॉर्मेंस है काफी सही है, अगर बाहर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है फिर भी यहाँ पर वोल्टेज इसके साथ जो है बढ़िया कूलिंग देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा स्टेबलाइजर फ्री मोड भी देखने को मिल जाएगा, जहां पर जो है यहाँ पर एसी जो है विदाउट स्टेबलाइजर काम कर जाएगा, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक्सटर्नल स्टेबलाइजर की यूज करना, इससे जो है एसी का जो लॉन्गजिविटी है यहाँ पर इंप्रूव होगा। प्लस यहाँ पर फीचर्स की अगर बात करें तो वोल्टेज एसी के साथ जो है 4-in-1 कन्वर्टेबल मोड देखने को मिल जाएगा, उसके अलावा यहाँ पर इन्वर्टर टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है, जो कि काफी सही है। फिलहाल यहाँ पर बात कर लेते कॉन्स के बारे में। तो यहाँ पर नॉइस लेवल जो है कुछ कुछ मॉडल में जो है ज्यादा हो सकता है एज कम्पेयर टू गोदरेज। प्लस यहाँ पर एनर्जी एफिशिएंसी की अगर बात करें तो मॉडल टू मॉडल एनर्जी एफिशिएंसी भी जो है डिफरेंस देखने को मिल सकता है। इसके अलावा सर्विस में भी जो है इशू देखने को मिल सकता है, अगेन एरिया टू एरिया डिपेंड करेगा। तो मेरे हिसाब से अगर आपको यहाँ पर सबसे पहले वैल्यू ऑफ मनी चाहिए एंड अगर आपका बजट कम है तब जो है आप सिंपली गोदरेज एसी को चेकआउट करके देख सकते हो, काफी सही वैल्यू ऑफ मनी प्रोवाइड कर रहा है। एंड अगर आपको जो है यहाँ पर इनिशियल कॉस्ट आप ज्यादा देखे वोल्टेज एसी को खरीद सकते हो, बाकी बेस वायलिंग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। दोनों एसी जो है अपने प्लेस में सही है एंड सही जो है यहाँ पर फीचर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। मेन जो है आफ्टर सेल सर्विस है, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई भी इशू आता है एसी में तब जो है आफ्टर सेल सर्विस अगर बढ़िया हो तो इजीली प्रॉब्लम जो है फिक्स हो जाएगा।